और ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तुम रो रही थी आभा, क्या हुआ बताओ? आर यू ओके? बताओ। मैंने अनुराग को देखा। What? वो अनुराग ही था। क्या बोल रही है? अनुराग तो इस दुनिया में नहीं है आभा। मैं जानती हूँ कि अनुराग मर चुका है, लेकिन जिससे मैं अभी मिलके आ रही हूँ वो अनुराग ही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है आभा, तेरे को है ना अनुराग की शक्ल का वहाँ पे कोई दूसरा आदमी दिखाएगा। हाँ आभा, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी शक्ल हमसे मिलती है जो हमारे जैसा होता है। वो अनुराग जैसा नहीं, अनुराग ही था। आभा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम लोग खुद अपने हाथों से अनुराग की डेड बॉडी को जला चुके हैं, प्लीज। तो फिर ये कौन है? अच्छा ठीक है सुन, तू एक काम कर, तू हम लोग को वहाँ पे लेके चल जहाँ पे देखो वो आदमी दिखा, ठीक है? और मैं देखता हूँ कौन है वो, ठीक है? चल उस तरह। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, फुल पावर यूज, मुझे रिचार्ज की जरूरत है। क्या हम नारा को बचा पाए? नारा ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुम बाकी लोगों की सहायता के लिए जाओ, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन। बात भी हुई थी अनुराग। तो फिर कहाँ चला गया? लगता है आभा अब तक अनुराग को भूली नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वो यहीं पे मिला था। बर्फ की मौत की वजह से इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होके लगाया। वो एक जीता जागता इंसान है, उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। लेकिन हाँ, उसके आसपास होते ही ठंड लगने लगती है। What? उसका हाथ एकदम ठंडा था, बिल्कुल बर्फ के जैसा। उसके पास आते ही ठंड से मेरा पूरा हाल हो गया था। तो फिर इंतजार किस बात का है? वही है जो मर के वापस आया है, वही है बर्फ की मौत जो एक एक करके लोगों को खा रहा है। और वो जो भी है यही कहीं आसपास ही है, हमें उसे ढूंढना होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। Come on, let's go. समझ गए? हाँ जी समझ गए। तुम ठीक हो? लारा को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाओ। नहीं जरूर, यह कहीं नजदीक है, हमें इसे रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। शौर्य रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लगता है बस तोड़ने में उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी। What? I think I know. What? शौर्य का सोर्स एनर्जी एक क्वांटम बैटरी। कंटेंट बैटरी? अगर ये एनर्जी ये बर्फ तोड़ सकता है तो उसी एनर्जी को बर्फ के मौत के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शौर्य का चार्ज खत्म हो गया तो ये एनर्जी हमें मिलेगी कैसे? कहां से आएगी? कहां से आएगी लारा? हेडक्वार्टर्स। व्हाट? यस हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में हमारे पास ऐसे गन्स है जो ये सेम एनर्जी यूज करती है।
ठीक है, तुम दोनों ऐसा करोगे, तुम दोनों हेडक्वार्टर्स जाओ और गन्स लेकर आओ, जाओ 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 गो। लेकिन सर आप इस तरह से उसका सामना कैसे करेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने भी गन्स हैं वो किसी काम के नहीं। ये जानवर जितना दिखता है ना, इसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा है। इसे रोकने के लिए, इसे पकड़ने के लिए पहले इसकी पूरी कहानी को हमें पढ़ना होगा। सर अपने इस फर्ज के लिए अपनी जान दांव पे लगा ही चुके हैं, तो मौत से डर गया सर। That's the spirit. Let's go. Come on. Sir, go ahead. अचानक गायब कहाँ हो गया? जल्दी चल। आप घबराइए मत, मैं दवा बना रही हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी। एक बार देखो ना, उठो ना जेवन, कितनी देर हो गई है। उठो जेवन, प्लीज उठो। ठीक हौसला रखिए, वो ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली जेवन को सीवियर हाइपोथर्मिया का अटैक है और उसके दिल की धड़कनें काफी हद तक रुक गई है। अरे बंद हो गई नहीं है क्या? मतलब बंद हो गई नहीं है? आप लोग फिक्र मत करो, इन लोगों को मालूम है कि दिल को कैसे फिर से स्टार्ट करना है। जयवंत, जयवंत उठो। अरे तू ये मुठी में मिस आतस बे डेकस इमिस गच्चे भार उठ रहा है। मैं घेरी मुठी में इससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो जो भी दवा दी मुंह के माथे पे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं लगा सकती हूँ हाथ मुझे? आप लगाओ। खाता है ना, उसके बावजूद खंभे के माफी खड़ा रहता है वो। देखिए आप लोग घबराइए मत, थोड़ी देर में इनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और हम भी कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आप देखिए इन देरी दूधों का असर जल्द इनके हो जाएगा और कहवा पी के ये जल्द होश में आ जाएंगे। लेकिन ये होश क्यों नहीं आता? ये आदत से निकल जाती है। तुम जाग गए, तुम्हें होश आ गया। क्या भाई तू ठीक है ना? यार तुझे सबकी जान ही लेनी थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। उठ जाओ भाई, लो ये पी लो। इसे पीने से आपकी नसों और मसल्स में फिर से पहले जैसी ताकत आ जाएगी। अरे आवाज किधर चली गई? एक तरफ बर्फ की मौत और दूसरी तरफ अनुराग का यूं मेरे सामने आ जाना, और वहां जयवंत पे भी हमला हुआ है, ये सब हो क्या रहा है? फिर से वही डर, शायद अनुराग आसपास है। अनुराग रुको, अनुराग, अनुराग तुम्हें आज मेरा सामना करना ही पड़ेगा। मेरे सवालों का जवाब आज तुम्हें देना ही होगा। आज मैं जानकर ही रहूंगी कि ये आदमी आखिर है कौन और आया कहां से। क्या पता भाई ये।
ये तुम क्या कर रही हो आबा? अभी पता चल जाएगा तुम असली हो या नकली। आबा तुम मुझसे गोली नहीं चला सकते। आबा आपकी गन नीचे करो। आबा नहीं। ये देखो अब खून, एक इंसान का खून। तुम तो हाँ बा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है अनुराग, तुम तो मर गए थे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं कितनी दूर से तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने आए? हाँ मरने के बाद। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। जैसी ये दुनिया है बिल्कुल ऐसी एक और दुनिया है, और वहां पर भी सब कुछ ऐसा ही है, और उस दुनिया में भी एक अनुराग है। और एक आबा भी थी। और तुम यकीन नहीं करोगे, उस दुनिया में भी अनुराग आबा से उतना ही प्यार करता था। इतना प्यार कि वो उसे ढूंढता ढूंढता यहां तक चला आया। आबा क्या हुआ उस आबा को? उसाभा की मौत हो गई, और यहां इस दुनिया में अनुराग की। नहीं, मुझे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा है। पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पापा तुम मेरे साथ चलो, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो कि मैं कह रहा हूं वो सच है। इस दुनिया से उस दुनिया के बीच एक रास्ता है, एक पोर्टल जो कभी कभी खुलता है। हाँ बा, ये पोर्टल कल शाम को खुलेगा। कल शाम मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नदी के किनारे। तुम आओगे ना? मेरे को छोड़ेगा?